लोकसभा 6 मुरादाबाद में प्रथम चरण में मतदान संपन्न होने के बाद से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में रखी हुई है। ईवीएम मशीनों की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी समय समय पर अधिकारियों के द्वारा लिया जा रहा है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने मंडी समिति में बने स्ट्रांग रूम और सीसीटीवी कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि मंडी समिति में बने स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईवीएम मशीन रखी हुई है। 4 जून को मतगणना होनी है, तब तक ईवीएम मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। समय समय पर अधिकारियों के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जाता है। स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनों की सुरक्षा में पुलिस बल तैनात है, साथ ही कंट्रोल रूम से भी स्ट्रांग रूम पर नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में डीएम मानवेंद्र सिंह के द्वारा मंडी समिति में बने स्ट्रांग रूम पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। साथ ही डीएम ने सीसीटीवी कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम मानवेंद्र सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।